ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के साथ पार्टी का दो दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक पदाधिकारी हो रहे हैं शामिल। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज इसरो के मौसम निगरानी उपग्रह GSLV-F14 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन को सामुदायिक भागीदारी के जरिए और अधिक पोषक बनाने के लिए न्योता भोजन योजना लागू की जाएगी और छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए पीएससी और व्यापम के माध्यम से भर्ती परीक्षा का किया जाएगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के साथ ही दो दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्री इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्य के मंत्रियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों सहित करीब 11,500 प्रतिनिधि भी इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस अधिवेशन का विशेष महत्व है। भाजपा नेता व्यापक संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के अलावा लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। अधिवेशन दो प्रस्ताव रखे जाएंगे। यह अधिवेशन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन संबोधन के साथ संपन्न होगा। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज शाम 5:35 पर GSLV-F14 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। श्रीहरिकोटा में नियंत्रण केंद्र पर प्रक्षेपण से पहले अंतिम समय में इसकी जांच पड़ताल और निगरानी की गई। प्रक्षेपण देखने के लिए आगंतुक दीर्घा में स्कूली बच्चों और युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। 51 मीटर लंबा यह रॉकेट मौसम उपग्रह INSAT-3DS को अपने साथ लेकर गया है। INSAT-3DS चौथा मौसम उपग्रह है जो 10 वर्षों तक काम करेगा और वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कई पहलुओं के बारे में आंकड़े एकत्रित करेगा। इस उपग्रह से तलाश और बचाव अभियानों, हर प्रकार के मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी और यह आग लगने, वर्षा, हिमपात या किसी अन्य विनाशकारी स्थिति में भी सहायता करेगा। प्रदेश के स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गर्म भोजन को सामुदायिक भागीदारी की बदौलत और अधिक पोषक बनाने के लिए अब इसे न्योता भोजन के नाम से लागू किया जाएगा। न्योता भोजन स्कूल में दिए जाने वाले भोजन का विकल्प नहीं होगा बल्कि यह विद्यार्थियों को दिए जा रहे भोजन का पूरक होगा। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। न्योता भोजन का उद्देश्य समुदाय के बीच अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि और सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना है। न्योता भोजन की अवधारणा सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं। साथ ही अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकेंगे। इस बीच रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह आज धर्मपुरा के प्राथमिक स्कूल में स्कूली बच्चों को पौष्टिक न्योता भोजन कराकर अपना जन्मदिन मनाए। छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए करने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी और व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा में स्नातक डिग्रीधारियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ी में एमए उत्तीर्ण युवाओं के लिए CGPSC और व्यापम के जरिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही सहायक शिक्षकों और व्याख्याताओं की पदोन्नति की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 20 फरवरी को दुर्ग जिले के भिलाई स्थित IIT और कबीरधाम जिले के महाराजपुर स्थित नवीन केंद्रीय विद्यालय भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद संतोष पांडे को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।
केंद्रीय विद्यालय भवन और कर्मचारी आवासीय भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों की लागत 20 करोड़ रूपये से अधिक बताई गई है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे और जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल ने केंद्रीय विद्यालय भवन के लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम के त्रिवेणी संगम पर 24 फरवरी से 8 मार्च तक राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। धर्मस्व और संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के वीआईपी चौक स्थित श्रीराम मंदिर पहुंचकर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर उनके चरणों में राजिम कुंभ कल्प में पधारने का पहला निमंत्रण पत्र अर्पित किया। संस्कृति मंत्री ने बताया कि राजिम कुंभ कल्प के आयोजन के दौरान 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा, 4 मार्च को माता जानकी जयंती और 8 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर पुण्य स्नान होंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आगामी 9 मार्च को छत्तीसगढ़ सहित देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, सिविल बैंक रिकवरी, निष्पादन, विद्युत और पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा बैंक, विद्युत, दूरसंचार और नगर पालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। इस बार भी हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पक्षकार और अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर तथा अपने घरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय खैरागढ़, डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुई खदान और राजस्व न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों तथा प्री लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में जिला और सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक कुमार ने बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डो के नवीनीकरण का कार्य जारी है। अब तक 61,28,000 से अधिक राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशन कार्डो के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा ऑनलाइन सुविधा दी गई है। साथ ही राशन कार्डधारी स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के ऐप के जरिए राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। गौरतलब है कि राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य आगामी 25 फरवरी तक किया जाएगा। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से मुंगेली जिला पंचायत में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में युवाओं को पंजीकरण के संबंध में जानकारी दी गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पांडे ने बताया कि थल सेना भर्ती के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 23 मार्च है। वहीं भारतीय वायुसेना में लिखित परीक्षा के लिए मुंगेली जिला प्रशासन द्वारा पंजीकृत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए जिले के 159 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। सुकमा जिले के ग्राम पुवर्ती में डीआरजी कोबरा और सीआरपीएफ की टीम ने पुलिस पोस्ट और टैक्टिकल हेडक्वार्टर का कार्य शुरू कर दिया है। इस दौरान माओवादियों द्वारा कैंप पर फायरिंग की गई। सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। बताया गया है कि पुवर्ती माओवादी कमांडर हिड़मा का गांव है। वहीं बीजापुर जिले के चेरपाल और पालनार के बीच सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादियों द्वारा लगाया गया 8 किलो का आईईडी बम बरामद किया है। बाद में बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही इसे निष्क्रिय कर दिया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी भय और तनाव को दूर करने के लिए 22 फरवरी से हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। परीक्षार्थी, शिक्षक और अभिभावक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक हेल्पलाइन में टोल फ्री नंबर 1800-233-4363 पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रविवार और अवकाश को छोड़कर इस हेल्पलाइन में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक अभिप्रेरक, विषय विशेषज्ञ और मंडल के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कबीरधाम जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। धर्मस्व मंत्री
ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने बस्तर दशहरा, चित्रकूट महोत्सव, रामाराम महोत्सव और गोंचा पर्व महोत्सव के आयोजन के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने महात्मा गांधी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रधान पाठिका और 6 शिक्षकों को कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर औचक जांच के बाद की गई है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में जिला खनिज टास्क फोर्स ने छापामार कार्रवाई करते हुए रेत के अवैध खनन के मामले में 6 चैन माउंटेड मशीन सहित 57 वाहनों को जब्त किया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी नई दिल्ली द्वारा इंजीनियरिंग सर्विस प्रारंभिक परीक्षा कल 18 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए रायपुर में 5 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं और जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 19 फरवरी को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के साथ पार्टी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अनेक पदाधिकारी हो रहे हैं शामिल। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से आज इसरो के मौसम निगरानी उपग्रह GSLV-F14 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन को सामुदायिक भागीदारी के जरिए और अधिक पोषक बनाने के लिए न्योता भोजन योजना लागू की जाएगी और छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए पीएससी और व्यापम के माध्यम से भर्ती परीक्षा का किया जाएगा आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।